हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। ऑलराइट गाइस, तो ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में बात किए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है एंड इसके बीच में बहुत सारे नए नए गेम लॉन्च हुए हैं जहां पे आपको ग्राफिक्स क्वालिटी एंड गेमिंग फीचर तो बेटर मिलता ही है एंड उसके साथ ही आपको नए नए मिशन करने को मिलेगा। बट वेट गाइज, ओके, तो आज टाइम हो चुका है नए ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में जानने का। ऑलराइट गाइस, तो आज बताने वाला हूँ टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस जहां पे आपको तगड़ी तगड़ी गेमिंग फीचर देखने को मिलेगा। एंड अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट के इन सारे गेम के बारे में जानते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बस 2-3 सेकंड ही जाते हैं, सो फटाफट से कर दो। ऑलराइट गाइस, तो इन सारे गेम को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है जहां से आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि आखिर ये सारे ओपन वर्ल्ड गेम कैसा होने वाला है। वेल गाइज, इस सीरीज का 10th रैंक का गेम निकल के आता है सर्वाइवल एंड्राइज। ऑलराइट गाइज, तो गेम का साइज 900 MB है एंड एक ऑनलाइन सर्वाइवल गेम होने वाला है जहाँ पे आपको पेड़ वगैरह काटने को मिलता है, जानवरों को मार सकते हो एंड घर वगैरह बना के गेम में सर्वाइव कर सकते हो। ओके, तो इस गेम में आपको कई सारे खतरनाक वेपन भी यूज करने को मिलेगा जिससे आप मॉन्स्टर एंड क्रिएचर से फाइट ले सकते हो। सो गाइज, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे 10th रैंक रखा गया। ऑलराइट गाइज, तो इस सीरीज का 9th रैंक का गेम निकल के आता है फार्मिंग सिमुलेटर। सो गाइज, गेम का साइज 600 MB है एंड एक ऑफलाइन गेम होने वाला है, मतलब यहाँ पे बिना इंटरनेट के गेम को प्ले कर सकते हो। सो गाइज, इस गेम के मिशन की बात करें तो आपको यहाँ पे फार्मिंग करने को मिलेगा। ओके गाइज, तो फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा हूँ एंड इसके पीछे मैंने कोई सा चीज अटैच कर दिया है एंड इसको मैं अभी खेत में ले जाऊंगा जिसके बाद फार्मिंग करूंगा। ऑलराइट गाइज, तो जो भी अनाज उपजेगा उससे मैं मार्केट में ले जाके बेचूंगा जिसके बाद ढेर सारा पैसा होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं फसल की कटाई कर रहा हूँ एंड उसके साथ मैंने फसल को निकाल भी लिया, अब इसको मैं मार्केट लेके जाऊंगा। सो इस गेम में आपको कुछ इसी टाइप की चीजें करने को मिलेगा। ऑलराइट गाइज, तो इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी रियलिस्टिक है एंड यहाँ पे आपको विलेज टाइप ऑफ में देखने को मिलता है। वेल, आप इस गेम को एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट गेम निकल के आता है इंडियन ऑटो रिक्शा। ओके, तो इस गेम का साइज 40 MB है एंड गाइज, लिटरली इतनी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी वाला गेम आपको इतने कम स्टोरेज में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इस गेम में आपको रिक्शा ड्राइव करने को मिलता है, मतलब हमारा इंडियन ऑटो रिक्शा। ऑलराइट गाइज, तो गेम का मिशन कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऑलराइट गाइज, तो अभी ना सबसे पहले मुझे पैसेंजर ढूंढना होगा जिसको मैं बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करूं जिसके बाद मुझे पैसा मिले एंड उसके बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा में काफी सारी चीजें मॉडिफाई कराऊंगा। सो फिलहाल अभी पैसेंजर को ढूंढते हैं। ओके, तो इस गेम में आपको कई सारे कैमरा के व्यू एंगल भी देखने को मिलेगा जो कि मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी इंप्रूव कर रहा है एंड अभी ना मैं स्ट्रीट रास्ते पे आ चुका हूं, मतलब यहां पे गांव वाले एरिया भी देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पे ऑटो रिक्शा को फुल स्पीड में ड्राइव करने के बाद कुछ ज्यादा ही स्लिप हो रहा एंड यहां पे गेम का ओपन काफी बड़ा है। चलो कोई नहीं गाइस, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। गाइस, इस सीरीज का 7th रैंक का गेम निकल के आता है टोक्यो कम्यूट ड्राइव। ऑलराइट गाइस, तो इस गेम का साइज 900 MB है एंड एक ऑनलाइन गेम होने वाला है। वेल, इस गेम के मिशन की बात करें तो आपको यहाँ पे रियल लाइफ मिशन करने को मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर सकते हो, कंपनियों के साथ डील कर सकते हो एंड ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। सो गाइज, अभी ना फिलहाल मैं डील करने ही जा रहा हूँ किसी कंपनी के साथ। लोकेशन पे तो आ चुका हूँ बट यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं दिख रही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी कार से बाहर निकलते हैं एंड बंदों को ढूंढते हैं। ऑलराइट गाइस, तो साइज से मुझे लग रहा है कि राइट में जो दो बंदे खड़े हैं वही इस डील को करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल अभी उनके पास चलते हैं एंड इस डील को फाइनली कंप्लीट करते हैं एंड ढेर सारा पैसा लेते हैं। चलो कोई नहीं गाइस, मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट डील हो चुकी है एंड इसके बाद मैं इस सिटी का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा एंड मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। गाइस, इस गेम में आप कई सारे लग्जरियस कार भी बाय कर सकते हो। सो इस गेम में आपको कुछ इसी टाइप की चीजें करने को मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। वेल, अब टाइम हो चुका है नया ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में जानने का। ऑलराइट गाइस, तो इस गेम का नाम है वन स्टेट आरपी। ओके, तो एक न्यूली लॉन्च गेम है बट अभी तक रिलीज नहीं हुआ। सो गाइस, इस गेम में आपको काफी बड़ा ओपन देखने को मिलेगा, कई सारी तगड़ी तगड़ी व्हीकल ड्राइव कर सकते हो एंड इस गेम का मिशन कुछ कुछ GTA 5 की तरह होने वाला है। ओके, तो इस गेम को प्ले करने के लिए आपको कुछ टाइम का वेट करना होगा, उसके बाद तो ये लॉन्च ही हो जाएगा। चलो कोई नहीं गाइस, बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके गाइस, तो सीरीज का 5th रैंक का गेम निकल के आता है इलाइट मोटर 2। ऑलराइट गाइस, तो इस गेम का साइज 230 MB है एंड एक ऑफलाइन गेम होने वाला है। सो गाइस, इस गेम के नेम से पता चलता है कि एक बाइक ड्राइविंग गेम होने वाला है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गेम में आपको GTA 5 की तरह मिशन करने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे गैंगस्टर वाले लाइव जी सकते हो। ओके गाइस, तो आप इस गेम को GTA 5 का एक लाइट वर्जन कह सकते हो जहाँ पे आपको बाइक वगैरह भी मॉडिफाई करने को मिलता है एंड गाइस, फिलहाल यहाँ पे फाइनली मेरी मॉडिफिकेशन हो चुकी है एंड अभी ना सबसे पहले मैं किसी सैलून पे जाऊंगा एंड अपना हेयर स्टाइल एंड बियर्ड वगैरह चेंज कराऊंगा। ओके गाइस, तो फाइनली मैं सैलून पे आ चुका हूं एंड अभी यहाँ पे बहुत सारे हेयर स्टाइल के ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा कुछ देख लेता हूँ फिर उसके बाद चूज करूंगा। वेल, यहाँ पे कई सारे अजीब अजीब हेयर स्टाइल देखने को मिल रहा है। चलो कोई नहीं, फाइनली यहाँ पे मैंने बियर्ड वगैरह कटा लिया है। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी मैं किसी क्लॉथ स्टोर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे मैं अपना आउटफिट चेंज करने वाला हूं।
ओके तो अभी ना मुझे कोई अच्छा एंड टिकाऊ वाला कपड़ा देखना होगा। एंड गाइस मैंने यहाँ पे बाइक ड्राइविंग सूट पहना है क्योंकि मैं अभी विले मारने वाला हूँ। एंड अभी यहाँ पे मैं स्टंट मारने का ट्राई करता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से स्टंट मार पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बाइक को ड्राइव करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं गाइस, अब बात करते गेम के मिशन की। ओके तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे जॉब करने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे पिज्जा वगैरह बेच के गेम में आगे बढ़ सकते हो। गाइस इन सारी चीजों से जो भी आपको पैसा मिलेगा उससे आप घर या फिर व्हीकल बाय कर सकते हो। सो चलिए बढ़ते सीरीज के नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस तो इस सीरीज का फोर्थ रैंक का गेम निकल के आता है ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। ओके तो इस गेम का साइज 150 MB है एंड एक ऑफलाइन गेम होने वाला है। ओके तो इस गेम के मिशन की बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट मिशन होने वाला है। सो गाइस इस गेम में आपको शॉप वगैरह ओपन करने को मिलेगा जहां पे आप काफी सारी चीजों के शॉप ओपन कर सकते हो। एंड गाइस फिलहाल यहां पे मैंने ये जगह लीज पे लिया है एंड अभी मुझे यहां पे आईटी का शॉप ओपन करना है। ओके तो यहां पे फिलहाल मैंने सारे सामान का ऑर्डर कर दिया है। बट वेट गाइज, ओके तो सबसे पहले मुझे इस जगह को अच्छी तरह से साफ करना है क्योंकि मैंने चाहते कि कस्टमर मेरे सर्विस से ना खुश हो। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है। एंड गाइज वेट, यहाँ पे सारे सामान भी आ चुके हैं, अब इनको फटाफट से सेटअप करते हैं। एंड गाइज फाइनली यहाँ पे सारा सूट सेटअप हो चुका है। ओके तो यहाँ पे आप कई सारे पीसी देख सकते हो। एंड वेट, अभी इतनी बाहर में भीड़ क्यों लगी हुई है? ये सब फालतू का कस्टमर को रोक देंगे। चलो कोई नहीं गाइज, अभी यहाँ पे मैं डंडा उठाता हूँ एंड सबकी ऐसी की तैसी करता हूँ। ओके तो फिलहाल अभी बाहर चलते हैं। एंड वेट, इस बंदे को तो अजीब चुल मची हुई है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने इसको काफी बुरी तरीके से मारा है। चलो कोई नहीं गाइज, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। गाइज इस सीरीज का थर्ड रैंक का गेम निकल के आता है जॉबलेस लाइफ। ओके तो इस गेम का साइज 230 MB है एंड ये एक ऑनलाइन गेम होने वाला है। ऑलराइट गाइज, तो इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलेगा। वेल ये एक स्टोरी लाइन गेम होने वाला है जहाँ पे एक बंदे को जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है एंड वो बिना जॉब के इधर उधर मारा फिर रहा है। चलो कोई नहीं, अभी उसे जॉब ढूंढना है एंड छोटे मोटे काम करके पैसा कमाना, जिसके बाद वो काफी सारी चीजें बाय कर सकता है। गाइज अभी टाइम हो चुका है जॉब ढूंढने का एंड फिलहाल मैं भी स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस कार को ड्राइव करो। ओके तो इस गेम का ड्राइविंग कंट्रोल काफी सही है। वेल गाइज फाइनली मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है एंड इसने काफी अच्छी न्यूज दी है। ओके तो मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल चुका है। चलो कोई नहीं, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो चलिए बढ़ते हैं सीरीज के सेकंड लास्ट गेम की तरफ। गाइज बात करते हैं अब सेकंड लास्ट गेम की। ओके तो इस गेम का नाम है 3D ड्राइविंग गेम एंड गेम का साइज 900 MB है। ओके तो एक ऑनलाइन गेम होने वाला है एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये गेम काफी पुराना एंड पॉपुलर है, फिर भी इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलेगा। कई सारी तगड़ी तगड़ी गेमिंग फीचर देखने को मिलता है। ओके तो इस गेम में आपको टैक्सी टाइप मिशन करने को मिलता है एंड फिलहाल मैं एक सिंपल सी कार ड्राइव कर रहा हूँ जिसका कंट्रोल काफी सही है। चलो कोई नहीं गाइज, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते सीरीज के फर्स्ट ऑफ ऑल गेम की तरफ। वेल 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 गाइज, टाइम हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल गेम के बारे में जानने का। ओके तो इस गेम का नाम है वाइल्डनेस क्लासिक। सो गेम का साइज 120 MB के आसपास है एंड एक ऑफलाइन गेम होने वाला है। ऑलराइट गाइज, तो इस गेम में आपको सर्वाइवल टाइप मिशन करने को मिलता है। ऑलराइट गाइज, तो अगर हम इस गेम को किसी और सर्वाइवल गेम से कंपेयर करें तो इस गेम में आपको एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे जानवरों से सर्वाइव भी कर सकते हो एंड जानवर के कैरेक्टर में गेम को प्ले भी कर सकते हो। सो है ना कमाल का ये फीचर। ओके तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। चलो कोई नहीं गाइज, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। वेल गाइज, इन्हीं सारे एक एक चीजों के ऊपर हमने इस गेम को फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक पे रखा है। ऑलराइट गाइज, तो ये है टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। वेल आई होप ये सारे गेम आप लोग को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। एंड गाइज, अगर आपको इन सारे गेम में से किसी गेम के ऊपर गेम प्ले वीडियो या फिर गेम प्ले सीरीज चाहिए तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।